तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। किसी भी वीडियो में ऑडियो अच्छा ना हो तो वो वीडियो देखने में हमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता, पर अगर ऑडियो अच्छा हो तो हम वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो। और इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा, बेस्ट और बजट माइक्रोफोन है अपना स्मार्टफोन। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस के बारे में, जिससे आप अपने स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड कर सको। तो अभी हम आ जाते हैं मेरे स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इजी वॉइस रिकॉर्डर। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग फाइल का नाम लिख सकते हो, जो भी आप नेम रखना चाहो, और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो भी रिकॉर्ड किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी और आप इसे यहाँ से सुन सकते हो। अब इसके सेटिंग मेनू की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी साउंड क्वालिटी हाई, मीडियम, लो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद ट्यूनिंग में आपको माइक्रोफोन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ से आप इसका फाइल फॉर्मेट सेट कर सकते हो और यहाँ से आप इसका बीट रेट सेट कर सकते हो। मैं ऑलवेज हाई बीट रेट प्रीफर करता हूँ। और यहाँ से आप इको कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद फाइल ऑप्शन में रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट फाइल नेम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और यहाँ से आप फाइल स्टोरेज लोकेशन भी सेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसे हाइड वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद इंटरफेस सेटिंग में आप यहाँ से थीम सेट कर सकते हो, डार्क मोड और लाइट मोड जो भी आप रखना चाहो कर सकते हो। यहाँ से आप कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप क्विक एक्शन बटन को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से आप लॉक स्क्रीन पर इसकी नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हो। इसके बाद एडवांस सेटिंग में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड करते वक्त स्लीप मोड ऑन ऑफ रखना, रिकॉर्ड सुनते वक्त स्लीप मोड ऑन ऑफ रखना, रिकॉर्ड करते वक्त डिवाइस साइलेंट मोड पर रखना, कॉल आने पर रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाना, एक्सेट्रा। वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरी हमारी एप्लीकेशन है वॉइस रिकॉर्डर। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। यहाँ से आप अपने रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। तो अब इसके सेटिंग मेनू में जाते हैं। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। अगर आप इसमें से एड्स को हटाना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन को खरीद सकते हो। यहाँ से आप स्टेटस बार ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑडियो सोर्स जो आप रखना चाहो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट सेट कर सकते हो। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में देखें तो यहाँ से आप ऑडियो बिटरेट सेट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के बाद आस्क फॉर फाइल नेम का ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। स्टीरियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। इमीडिएटली स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। LED नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। मेमोरी लो हो जाने पर ऑटोमेटिक स्टॉप करने का ऑप्शन आप यहां से अनेबल कर सकते हो। कॉल आने पर रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप करने का ऑप्शन यहां से आप अनेबल कर सकते हो। और स्क्रीन को ऑलवेज ऑन रखने का ऑप्शन भी आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद तीसरी हमारी एप्लीकेशन है RecForge 2 ऑडियो रिकॉर्डर। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहीं पर आपको रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद यहाँ पर आप इसे एडिट भी कर सकते हो, लाइक कन्वर्जन सेटिंग में आप फाइल फॉर्मेट और बिट रेट सेट कर सकते हो, मेटा डेटा में टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, इसे आप ऐसा रिंगटोन भी सेट कर सकते हो, सिलेक्टेड पार्ट्स को आप कट और क्रॉप कर सकते हो, दो ऑडियो को मर्ज कर सकते हो, टाइम स्ट्रेचिंग में आप टेम्पो पिच वगैरह सेट कर सकते हो, यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हो, इसे ड्रैग करके आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। अब इसके सेटिंग मेनू में जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑडियो सेटिंग। यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट, बिटरेट वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ से माइक्रोफोन सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप HEC यानी कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। मेटा डेटा में टाइटल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
यहाँ से आप रिकॉर्डिंग करते वक्त स्क्रीन ऑन रखने का ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटो कन्वर्सन सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो और यहाँ पर आप इंटरफेस सेटिंग में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसे आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेस्ट एप्लीकेशंस जिसे यूज करके आप अपने स्मार्टफोन से काफी अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो शायद आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।